अगर चलो वो गुड नहीं। डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं सब आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है जी, सेहत तो आप अच्छे होंगे, रोजे पूरे रख रहे होंगे? 12 रोजे हो गए हैं, आधे गुजर ही गए हैं, पता भी नहीं चला। 10 हुए हैं अभी, 11 11 हुए सर, 11 हुए सर। यार ए जिन्हें दस के आए ना, इन्हें दे विचों छाड़ देते ने, ठीक है। मैं रखे ने 12, मैं तो रख रहा सऊदी अरब दे नाल, बाकी यारां लई ठीक ही होंगे। जी सऊदी दे नाल या पिशावर दे नाल? सऊदी आ, सऊदी मैं पा लूं, पिशावर में दिमाग मेरा खराब है। मैं तो इंशाल्लाह ईद भी उधर जाऊं करूंगा सऊदी। अच्छा भाई, लेक्चर जल्दी जल्दी हमने जितना पढ़ा गया पढ़ना है, क्योंकि डिफेंस चल रहा है साथ साथ। मुझे बीच में जैसे ही कॉल आई तो मैं वहीं पर मीटिंग एंड कर दूंगा।
है बच्चों वाला लेक्चर आज का हमारा, फिर से दोबारा से मैंने कहा जरा पढ़ा दें बच्चों को थोड़ा, बच्चों को लेकर ये बेस कर रहा है बिल्कुल आप लोगों की एफएससी की फिजिक्स पे, ठीक है। एफएससी भी नहीं बल्कि आप लोग फिफ्थ सिक्स क्लास से यही पढ़ते आ रहे हो आज पढ़ना, ठीक है। चलो जी वो कहते हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स अकॉर्डिंग टू बोहर अदर फोर मॉडल ऑफ एटम आल्सो कॉल्ड सोलर सिस्टम द एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। सबको पता है रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जी एटम के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं द न्यूक्लियस इज वेरी मैसिव एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉलर देन ओवरऑल साइज ऑफ द एटम। इसी में किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं जी सिंस द न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन एंड दे ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज समवेयर द सेम वे। कोई रोला नहीं है, आगे चलो। द एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इटसेल्फ कंटेन्स पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं सबको ही पता, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सिंस द होल और चार्ज ऑफ एटम इज जीरो बिकॉज देयर मस्ट बी प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, ठीक है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी सबको पता है। मलाइका ये पता है कि नहीं? यस सर पता है। या फिर सिस्टोल जो है वो हार्ट की फीलिंग होती है, हैं? सर नहीं पता ये। चलो मैं कहा शायद इसमें भी कोई सिस्टोल वाला चक्कर हो जाएगा, सिस्टोल हार्ट की फीलिंग होती है। नहीं सर उस दिन मिक्स कर दिया था, डायस्टोल का बता दिया था। चलो शुक्र है पता लग गया, मैं तो कह लो जी। अच्छा यार मेरी बात सुनो, तुम लोग कैसे स्टूडेंट्स हो, ये एक दफा भी नहीं कहा, 12 रोजे गुजर गए कि सर जी क्या नाम है आए हम अफ्तारी कराते हैं आपकी। आज नहीं सर काम, बस ये रहने दो, ये ऊपर ऊपर से ना मैं मुझे नहीं चाहिए इस तरह ऊपर ऊपर से कहने वाले बड़े। कोई नहीं सर आ जाएं, किधर आ जाओ, काफी दूर है सर, राजनपुर आना है। बोलो हम चली गई सर, ऑनलाइन इफ्तारी हो सकती है किसी तरह? बिल्कुल हो सकती है, अपनी स्क्रीन मारना समोसे पकौड़े फ्रूट चाट अगला खा ले खा ले बस इतना ही करा सकते हैं जो तानो। अच्छा भैया आगे चलते हैं, आगे वो क्या कहता है, ईच एटम हैज अ यूनिक प्रोटॉन नंबर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस डिफाइन द केमिकल आइडेंटिटी बिकॉज़ द प्रोटॉन नंबर इक्वल्स टू द यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड इन द न्यूट्रल एटम बाय द इलेक्ट्रॉन नंबर एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन इट्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं कि उसका प्रोटॉन नंबर कितना है, और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है। समझ आ गई है, अगर न्यूक्लियर अरेंजमेंट उसकी अनस्टेबल होगी तो वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट एटम, सबसे लाइट एटम उसने कहा हाइड्रोजन है, सबसे हैवी यूरेनियम है, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें न्यूक्लियर फिजिक्स का पता होना चाहिए एंड वी मस्ट ऑल्सो टेक इन टू द अकाउंट ऑफ द न्यूट्रॉन नंबर ऑफ ईच न्यूक्लियस, ठीक है। इस सब में कोई मसला मसायल किसी को, किसी मेरे भाई बहन मेरे भाइयों की किसी बहन को कोई मसला? बट साहब जाग रहे हैं बट साहब, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था आपको पता है? जी सर क्या पढ़ा था सर? न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये न्यूक्लियर मेडिसिन न्यूक्लियर स्कैन में और सिटी स्कैन में क्या डिफरेंस है, दोनों में हमें क्या डिफरेंस मिलता है, हम क्यों करते हैं न्यूक्लियर स्कैन? सर न्यूक्लियर मेडिसिन इसमें हम रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट यूज करते हैं और सिटी स्कैन में एक्सरेज यूज करते हैं। मेन डिफरेंस बताएं भाजी। मलाइका ताहिर बताओ भाई क्या डिफरेंस है सिटी स्कैन और न्यूक्लियर स्कैन में? सर सीटी स्कैन में हम जो सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि उसमें क्या मसला आ रहा है, लेकिन हम इन न्यूक्लियर मेडिसिन में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ फिजियोलॉजिक फंक्शंस भी देख सकते हैं। हाय 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 बच्ची आज पहली बार मेरे को महसूस होया कि डीन लैन दे काबिल है। अब आगे से हंस रही है, चेक करो जरा। अच्छा भाई
आगे चलते हैं. द नंबर कैन वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम न्यूक्लियर फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ अ गिवन एलिमेंट. ठीक है, एक ही एलिमेंट के न्यूक्लियर की डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है. ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम इनको आइसोटॉप्स के अंदर डिफाइन करते हैं. ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं जी? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम केमिकल टाइप, यानी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. ठीक है, क्या होता है? सेम एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर क्या नाम है, सेम होता है, बट जो उनका न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट होता है, इसकी वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, ये अगर से एग्जांपल दे दिया हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की. ठीक है, ये कार्बन के आइसोटॉप्स की. उसके बाद वो आता है एवरी एलिमेंट हैज एटलीस्ट सेवरल आइसोटॉप्स स्टेबल एंड अनस्टेबल. ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं वो स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं. अगर अनस्टेबल होंगे तो वो रेडिएशन एमिट करेंगे. जैसा कि मॉलिब्डेनम एक आइसोटॉप है जो कि क्या नाम है, रेडिएशन एमिट करता है और टेक्नीशियम में कन्वर्ट होता है. फिर टेक्नीशियम भी खुद एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जो कि आगे स्टेबल टेक्नीशियम में कन्वर्ट होता है रेडिएशन एमिशन के बाद. समझ लग गई है? यस सर. माहीन सारी में क्या खाती है? सर जो सब खाते हैं. मैं तो वही खाता हूँ, रोटी साथ में क्या नाम है, कोई ना कोई चिकन वगैरह, साथ योगर्ट, साथ जूस. सर, आप ये सब खाती हैं? आपकी सेहत? सर मैं हाफ रोटी खाती हूँ और योगर्ट. गुड. अच्छा, क्लास में कोई मुंडा जड़ा बहुत ही रोटी खाता है मेरे वांगू, कोई है? अल्लाह नवाज बेटे, आपने अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा हुआ, आप खाते हैं पूरा खाना? माशाल्लाह से सो रहे हैं लगता है. सर अफ्तारी पे बुला रहे हैं आप? आजा शहीर, मोस्ट वेलकम. आजा जी, तानू लब गया मेरे खान तो बात है. ठीक है, नहीं तो फिर खजूर खा कर चल जाना. कोई नहीं सर, आप खजूर भी खिला दें, कोई मसला नहीं. अल्लाह नवाज सो रहा है, अल्लाह नवाज की लगे तो एब्सेंट. लो जी बिस्मिल्लाह, एब्सेंट का तो बिस्मिल्लाह करें, ये गई है एब्सेंट. अच्छा जी, अमानिया ताहिर है भी बाजी सो रही. चलो जी नीचे चलो, नीचे चलो. महादी आर यू इन क्लास? मुझसे पूछ रहे हैं किसी और से? आपसे ही पूछ रहा हूँ मैडम, डीन सर का रिप्लाई आया कि नहीं? इकराम शरीफ जाग रहा है? यस सर. पूरा पूरा? जी सर. गुड, हो गया. ओके, अच्छा जी. मोहम्मद अरसलान? यस सर. गुड. नुदरत नूर? यस सर. ओके. रहमा सुहेल? यस सर. ओके ओके ओके. सामिया शाहिद? क्लास में नहीं है सर, वो न्यूक्लियर मेडिसिन ही पढ़ रही. ओके ठीक है. अच्छा, और कौन है? सफानूर, तहरीम जफर? यस सर. ओके, तहरीम जफर मुझे ये बताएं कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो किस किस चीज से मिलके बनता है? सर एक रेडियो न्यूक्लाइड होता है और बाकी एक ड्रग होता है जो हर ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक. सर किसके लिए पूछा आपने? मोस्ट कॉमन रेडियो न्यूक्लाइड कौन से यूज करते हैं? सर टेक्नीशियम. चलो शुक्र है, आयोडीन याद है. ठीक हो गया बच्ची. अच्छा, इकबाल?
यस सर जाग रहे हो जी सर जाग रहा हूँ उठ गए अच्छा भाई आगे चलते हैं उसके बाद वो क्या कहता है जी ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर द सेम देयर न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज कैन बी डिफरेंट दैट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इवन नाउन और एवरी नाउन और पॉसिबल आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट आइसोटोप्स एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर उसके बाद आइसोबार्स न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम मास नंबर बट हैविंग डिफरेंट प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स ठीक है आइसोबार में क्या होता है डिफरेंट एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जैसे कि उसने आपको एग्जांपल दी हुई क्लोरीन और आर्गन की ठीक है इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है बल्कि इनका जो मास नंबर है वो सेम है ठीक है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा इस तरह आइसोटोन होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम न्यूट्रॉन नंबर ठीक है न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा लेकिन बाकी सब कुछ डिफरेंट होगा ठीक है रेडियोएक्टिविटी क्या होती है रेडियोएक्टिविटी रेफर्स टू द पार्टिकल्स व्हिच आर एमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी ठीक है जब आपका न्यूक्लियस इनस्टेबल अनस्टेबल होता है ठीक है उसके अंदर बहुत हाई एनर्जी होती है तो वो क्या नाम है बहुत हाई एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा होता है ठीक है उस वाइब्रेशन को खत्म करके खुद को स्टेबल हालत में लाने के लिए न्यूक्लियर क्या करता है वो एनर्जी इमिट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं रेडिएशन और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी ठीक है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेडिएशन आर कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन बट देयर आर सेवरल अदर वैरायटीज ऑफ रेडिएक्टिव डिके ठीक है मोस्ट कॉमनली क्या नाम है हमें क्या मिलती है अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन ठीक है बट इनके अलावा भी दूसरी टाइप्स की भी हो सकती हैं रेडिएटिव डिके रेट्स आर नॉर्मली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ्स एंड द हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन न्यूक्लियर स्पीशीज रिलेटेड टू इट्स रेडिएशन रिस्क ठीक है हाफ लाइफ आगे जाकर बताता हूँ कि क्या होती है वैसे तुम लोगों ने पढ़ी भी हुई है किसी को पता है कि क्या होती है नहीं पता अच्छा वैसे तुम लोगों ने पढ़ी हुई है जी बातचीत बोल लें स्पेसिफिक टाइम में रेडियोन्यूक्लाइड जो है जब वो एक स्पेसिफिक टाइम में अपनी अमाउंट से हाफ हो जाए अक्सा को बताने दे सर मैंने भी यही बताना था कि एक स्पेसिफिक टाइम में ये तुम लोगों का हाल ना वो सीन बतावे के शो वाला है बजर अगला जाता नहीं है उस सवाल के जवाब देता है वो कहता है बजर जाओ दूसरा बजर जाकर ना सवाल का जवाब दे देता है तो वो बेचारा माइनस 10 हो जाता है फिर वो ताज़ियत करनी पड़ती है तो यहाँ पे हम लोग भी ताज़ियत कर सकते हैं अच्छा ठीक है सही हो गया बिल्कुल सही बता रहे हैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करता हूँ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी लीड टू डिफरेंट डिके पाथ्स ठीक है रेडियोएक्टिविटी डिफरेंट होगी मतलब अगर अल्फा पार्टिकल डिके करेगा या बीटा पार्टिकल या गामा तो जो एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट होगा ठीक है उसका डिके पार्ट डिफरेंट होगा क्योंकि आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत हैवी होता है ठीक है और उसका हीलियम न्यूक्लियस के बराबर वेट होता है ठीक है इसी तरह बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन की तरह होता है और गैमा जो है वो एक रे है ठीक है फोटोन ऑफ लाइट है ठीक है तो ये तीनों डिफरेंट है जब तीनों डिफरेंट टाइप्स की चीजें डिके होंगी तो आपका जो एलिमेंट है वो भी हर एलिमेंट डिफरेंट टाइप से डिके करता है तो वो डिफरेंट पाथ के थ्रू डिके करेगा ठीक है और डिफरेंट एलिमेंट में चेंज हो जाएगा रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस ऑबेइंग द इनवर्स स्केल लॉ रेडिएशन जो भी किसी जगह से एडमिट हो रही है चाहे वो पेशेंट के अंदर से न्यूक्लियस स्कैन में एमिट हो रही है या एक्सरे के अंदर से एक्सरे ट्यूब से एमिट हो रही है सिटी के अंदर एक्सरे ट्यूब से एमिट हो रही है जमीन के अंदर से जो आपके फॉसिल फ्यूल है उसके अंदर से एमिट हो रही है तो वो एक सिंपल से इनवर्स स्केल लॉ पे क्या नाम है काम करती है कि आप उससे जितना दूर जाते जाएंगे ना उसका स्केयर रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी ठीक है सिंपल सी अगर एग्जांपल दी जाए तो आप टॉर्च लाइट है ठीक है टॉर्च लाइट को अगर आप बैठे हुए हो और वो 5 feet के डिस्टेंस से एक बॉल है उसके ऊपर डाल रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी या फिर गाड़ियों की लाइटें आपने देखी हैं जो ये ब्लू कलर की लाइट जिन लोगों ने लगाई होती है जब वो गाड़ी सामने खड़ी होती है ना तो आप आंखें खोलने के काबिल भी नहीं होते ठीक है इवन येलो लाइट भी बट अगर गाड़ी दूर है ना तो आप इजीली उसको वॉच आउट कर सकते हो कि हाँ यार कोई गाड़ी आ रही है या कौन सी गाड़ी आ रही है जी सुजुकी मेरान है या फिर स्विफ्ट है या फिर सिविक है ठीक है इसी तरह सिमिलर यहाँ पे भी होता है कि जितनी दूर जाती जाएगी ना आपकी रेडिएशन सोर्स आपसे उसका स्केयर डिस्टेंस जितना दूर जाएगा फॉर एग्जांपल 5 feet दूर चला गया तो उसका जो स्केयर है ना उतनी वैल्यू आपकी इंटेंसिटी की कम हो जाएगी रेडिएशन की समझ आ गई इनवर्स स्केयर लॉ क्या बताया उन्होंने यस सर अच्छा जी हाफ लाइफ यही जो क्या नाम है अक्सर तहरीन ने बताया हाफ लाइफ क्या होती है कि कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल लाइक आई हैव 20 grams ऑफ यूरेनियम ठीक है अगर उसकी हाफ लाइफ 2 घंटे है ठीक है एग्जांपल दे रहा हूँ 2 घंटे नहीं है वो उसकी हाफ लाइफ इयर्स के अंदर है ठीक है
हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल दो घंटे यूरेनियम की हाफ लाइफ मेरे पास 20 मिलीग्राम यूरेनियम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी टाइम हुआ 11:40 पे मेरे पास 20 मिलीग्राम यूरेनियम है, ठीक है, तो दो घंटे कब होंगे 11:40, 12:40, 12:40 to 1:40, ठीक है, 1:40 तक मेरे पास एक हाफ लाइफ गुजर गई, ठीक है, तब कितना रह जाएगा यूरेनियम 10 मिलीग्राम, ठीक है। उसके बाद अगली हाफ लाइफ कब गुजरेगी 2:40, 3:40 तक मेरे पास यूरेनियम कितना रह जाएगा 5 मिलीग्राम, मतलब जितना आपके पास पड़ा होगा ना उसकी वैल्यू की हाफ हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई है हाफ लाइफ आप सबको? यस सर, ठीक है। अब किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल की उसने कहा था कि हाफ लाइफ डिपेंड करती है वो कितना ज्यादा डेंजरस है। अब जैसे यूरेनियम है ना उसकी मिलियंस ऑफ इयर्स में हाफ लाइफ है, मतलब अगर आपके पास वो 5 मिलीग्राम भी है ना तो उसने 100 साल बाद जाके 2.5 मिलीग्राम रहना है और तब तक वो आपको रेडिएशन देता रहेगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन भी है 6 आवर्स, मतलब अगर आपने आपके पास 50 मिलीग्राम है तो 6 घंटे बाद उसने 25 रह जाना, उससे अगले 6 घंटे बाद उसने 12.5 रह जाना, उससे अगले 6 घंटे के बाद उसने 6.25 रह जाना, ठीक है, मतलब एंड होता जाएगा। जो यूरेनियम है वो कभी एंड नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, वो क्या कहता है जी, अल्फा डिके, हिस्टोरिकली द प्रोडक्ट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी आर कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा। मैसेज, अच्छा जी ठीक है जी, जाए। अच्छा उसके बाद वो क्या कहता है जी, पेनिट्रेशन ऑफ द मैटर थ्रू द मोस्ट मैसिव एंड मोस्ट रिजेक्टेड ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशंस अल्फा पार्टिकल्स शॉर्टेस्ट इन रेंज, ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी होता है, ठीक है, इसका साइज बड़ा होता है तो इसकी रेंज कम है, मतलब ये बहुत कम पेनिट्रेशन कॉज कर सकता है, ठीक है, यानी कि अगर ये आपकी बॉडी पे फॉल करेगा तो ये अब्सॉर्ब हो जाएगा इंस्टेड ऑफ पेनिट्रेटिंग इट आउट एंड गोइंग आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। The electron of the beta radioactivity strongly interacts with the matter and has a short range, ठीक है, beta particle का size कम है, ठीक है, इसकी range थोड़ी सी alpha से ज़्यादा है, but ये भी एक heavy element है, वो heavy particle है, जिसकी वजह से इसकी range कम है। उसके बरक्स अगर इन तीनों को compare किया जाए तो gamma particle सबसे light weight है और इसकी penetration सबसे ज़्यादा है, मतलब ये कम danger, वो कम harm cause करता है जब radiation आपकी body पे पड़ती है। ये उसने दिखाया हुआ है इन तीनों को, ठीक है। अल्फा इसे एक पेपर स्किन इस तरह की पतली सी शीट में से अब्सॉर्ब हो जाएगा, बीटा इसको पास कर जाएगा बट एल्यूमिनियम से पास नहीं कर सकता, ठीक है। जो गामा रे है वो सब चीज में से पास कर सकती है एक्सेप्ट लेड, ठीक है। जो न्यूट्रॉन है वो इन सब का अब्बाजी है, ठीक है, वो आपके लेड में से भी पास कर जाता है, ठीक है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि क्या नाम है, जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली एमिट नहीं होते एज ए रेडियोएक्टिव डिके, ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा तबाही कॉज कर सकते हैं। समझ आ गई है सबको? यस सर। जैसे मुआज़ अरशद खाने की टेबल पर बैठ के तबाही करता है ना, उसी तरह न्यूट्रॉन्स भी तबाही कर सकते हैं। सर करता अच्छा हूं, आपको कैसे पता चला? ये भाई आपकी सेहत बताती है क्या बात। अच्छा जी, अल्फा डीके, अल्फा डीके इज अ टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इन व्हिच एन एटॉमिक न्यूक्लियस एमिट्स अ अल्फा पार्टिकल एंड थेरबाय ट्रांसफॉर्म्स और डीकेज इनटू एन अदर एटम विद अ मास नंबर दैट इज रिड्यूस्ड बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर दैट इज रिड्यूस्ड बाय 2। अब प्लूटोनियम जो है वो भी उसके भी अनस्टेबल आइसोटॉप्स हैं जो कि डीके करते हैं हीलियम एमिशन के थ्रू, अल्फा पार्टिकल एमिशन के थ्रू, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का क्या वैल्यू होती है, 4 मास नंबर होता है और 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा उसके अंदर एटॉमिक मास 4 यूनिट से डाउन जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से। यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि प्लूटोनियम जब यूरेनियम में कन्वर्ट होता है तो वो अल्फा डीके के थ्रू कन्वर्ट होता है और उसमें से एक हीलियम एलिमेंट निकल जाता है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा जी, the alpha particle is the nucleus of the helium atom and is the nucleus of highest stability composed of 2 protons and 2 neutrons because of its very large mass and its charge it is very short range. It is not suitable for radiation therapy since its range is less than a tenth of millimeter inside the body. ठीक है, क्योंकि आपने radiation therapy के अंदर radiation दे के patient को तो उसके cancer cells को kill करना होता है, ठीक है, जब आपकी range ही नहीं होगी रेडिएशन की तो वो क्या कैंसर सेल को किल करेगी, ठीक है, वो कह रहे 10th ऑफ द मिलीमीटर इनसाइड द बॉडी, यानी कि आपकी स्किन ही बहुत मुश्किल से क्रॉस करेगा अल्फा पार्टिकल, ठीक हो गया? यस सर। वो जब तुम लोग इतना बुलवाते हो अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। इट इज अ मेन रेडिएशन हैजर्ड कम्स व्हेन इट इज इंजेस्टेड इनटू द बॉडी
It has a great destructive power within its short range. It can cause headache, dizziness, and suffocation. अगर एक अल्फा पार्टिकल आपको आपकी बॉडी पे फॉल करता है तो ये काफी हार्म कॉज कर सकता है. अगर आप किसी इंजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन ये लाइक आप हॉट लैब में काम करें जहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल किया जाता है ना, उसको बोलते हैं हॉट लैब. ठीक है, तो वहाँ पे हैंडलिंग के अंदर कोई मिस हैंडलिंग होगी आपसे, तो आपके कहने में हाथ पे लग गया, आपने हाथ नहीं धोया, उसे खाना खा लिया, या आप वहाँ पे कोई जूस वगैरह पी रहे थे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है रेडिएशन तो मौजूद है. ठीक है, उस जूस के अंदर क्या अगर वो मिक्स हो गया किसी तरह से, या आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल ही मिक्स हो गया, तो देन इट कैन बी इंजेस्टेड ऑल्सो. ठीक है, और ये क्या क्या कर सकता है, हेडेक, डिजीनेस, सफोकेशन. ओके, अब हम चलते हैं बीटा डीके पे. Beta decay is a type of radioactive decay in which beta ray and a neutrino are emitted from an atomic nucleus. ठीक है, beta decay क्या है? वो ऐसा radioactive decay है जिसके अंदर beta ray जो कि एक fast energetic electron या positron होता है वो निकलता है, या फिर एक और उसके साथ एक neutrino या anti-neutrino. Beta decay of a neutron. अब beta decay देखो दो types होता है. आपके nucleus में से energy ने emit होना ना, इस बात का सबको concept clear है ना कि nucleus ने stability के लिए energy emit करनी है. Is it clear to everyone? Sir, beta decay फिर से बता. बताता हूँ beta decay. पहले मुझे ये बताओ कि सबको ये चीज clear है कि हम इस time radioactivity की जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी nucleus के ऊपर बात हो रही है, protons और neutrons के ऊपर सारी बात हो रही है. ठीक है, कि वो unstable yes, होते हैं और वो energy emit करते हैं stable configuration हासिल करने के लिए. Is it clear to everyone? जी सर. ठीक है, अब आगे क्या कहता है, वो कहता है beta decay जो है ना, ठीक है, वो दो टाइप्स का होता है, एक बीटा पॉजिटिव और एक बीटा नेगेटिव. ठीक है, अब एक के अंदर क्या होता है, वो कहता है जी बीटा डिके ऑफ ए न्यूट्रॉन. ठीक है, अगर एक न्यूट्रॉन डिके करता है देन इट ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू प्रोटॉन बाय द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बीटा डिके जिसके अंदर न्यूट्रॉन डिके कर रहा है, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करते साथ खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा और साथ एक इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी. ठीक है, और सिमिलरली वो कहता है कि अगर एक प्रोटॉन डिके करता है, ठीक है, तो वो खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा और एक पॉजिट्रॉन की एमिशन होगी. ठीक है, कुछ इस तरह से. ये आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, इसने एक बीटा पार्टिकल एमिट करना है, बीटा नेगेटिव जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या होगा, एक न्यूट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन खुद को डिके करेगा और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एमिट करेगा. ठीक है, समझ आ रही है इस बात की कि बीटा नेगेटिव डिके दो टाइप्स का हो सकता है, एक को कहते हैं बीटा नेगेटिव डिके, एक को कहते हैं बीटा पॉजिटिव डिके. बीटा नेगेटिव के अंदर आपका न्यूट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज करके खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है और साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है. जो बीटा पॉजिटिव डिके है उसके अंदर आपका प्रोटॉन एनर्जी रिलीज करके, ठीक है, खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है और साथ एक पॉजिट्रॉन की एमिशन होती है. ठीक है, पहले से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, उसका एंटी न्यूट्रीनो या फिर बीटा पार्टिकल नहीं होता. ठीक है, वो तब क्रिएट होते हैं जब या तो न्यूट्रॉन डिके करे या प्रोटॉन डिके करे. बाय दिस प्रोसेस अनस्टेबल एटम्स ऑब्टेन अ मोर स्टेबल रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अब ये नीचे उन्होंने डायग्राम बना के दिखाई दिया. ठीक है, कार्बन 14 है, ठीक है, उसके 6 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं. बीटा नेगेटिव डिके हुआ, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन 14 में, जो कि एक स्टेबल एलिमेंट है जिसके अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये देखो यहाँ 6 प्रोटॉन थे और 8 न्यूट्रॉन थे, यहाँ 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन. क्या एमिट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बीटा डिके, जिसके अंदर न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है साथ एंटी न्यूट्रिनो के. सिमिलरली कार्बन 10, ठीक है, जिसमें 6 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन हैं, वो बीटा पॉजिटिव डिके के प्रोटॉन डिके करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, उसके अंदर वो क्या एमिट करवाता है, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो. समझ आ गई है सबको? यस सर. यस सर. नहीं आई तो मेरे को पूछना ना. अच्छा जी, वो क्या कहता है जी, गामा डिके, टाइप ऑफ रेडियोएक्टिविटी इन व्हिच सम अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसिपेट एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस. ठीक है, इन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गामा डिके नोन एज गामा एमिशन, गामा रेज आर रेडिएटेड. ठीक है, गैमा रे क्या होती है, एक न्यूक्लियॉइड है जैसे ये ऊपर वाले थे, ठीक है,
वो बीटा एमिट कर रहा था, उसके ऊपर वाले हीलियम न्यूक्लियस एमिट कर रहे थे अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में। कुछ न्यूक्लियस इस तरह के होते हैं ठीक है कि वो सिर्फ रेडिएशन एमिट करते हैं ठीक है, एनर्जी रिलीज कर देते हैं, उस एनर्जी रिलीज को हम गामा रे बोलते हैं ठीक है। उसको हम देख नहीं सकते क्योंकि वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में होती है, फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। ठीक हो गया, ये एक एक्साइटेड न्यूक्लियस ने दिखाया हुआ है, इसने गामा रे एमिट की ठीक है, इसकी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम ही रहेगा ठीक है, बस क्या है कि वो स्टेबल हो जाएगा। शायद तुम लोगों को याद हो, शायद याद हो, अगर एफएससी की फिजिक्स अच्छे से पढ़ी हो ना तो हमारे पास स्टेट्स होती थी, एक्साइटेड स्टेट, रिलैक्स स्टेट और उसके दरमियान में एक होती थी मेटा स्टेबल स्टेट। अगर किसी को याद हो, अगर थोड़ा सा तुम लोगों ने ध्यान दिया हो ना एफएससी में, तो शायद तुम लोगों को याद हो कि एक मेटा स्टेबल स्टेट भी होती थी हमारे पास ठीक है, कि आपका न्यूक्लियस जो है ना वो एक्साइटेड और रिलैक्स के दरमियान में फंस जाता है। अगर नहीं याद, yes, sir, याद है ये बाकी जो नैले है ना सारे नु कह रहे हैं। नादिर पुत्र पढ़ना ही मैं पूछा जी सर। जी सर ठीक है ना। खदीजा नवाज बाजी यस सर। बाजी ये समझ लगी मैंने जो अभी बताया वो तो यार थोड़ा बहुत माड़ा मोटा जो जितना मुझे आता है। जी सर ठीक हो गया। अच्छा अब वो क्या कहता है, कहता है गामा डीके आल्सो इंक्लूड्स टू अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेसेस इंटरनल कन्वर्जन एंड इंटरनल पेयर प्रोडक्शन ठीक है। वो क्या कहता है कि जब गामा रे एमिट होती है ना ठीक है, तो उसके अंदर दो प्रोसेस हो रहे थे, दो में से कोई एक जरूर हो रहा होगा ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं होते, कोई एक प्रोसेस होता है। कौन कौन से? इंटरनल कन्वर्जन और पेयर प्रोडक्शन। अब इंटरनल कन्वर्जन क्या होती है, एक्सेस एनर्जी इन ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ इट्स ऑन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरबाय इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, गामा रे कैसे डिके करती है कि जो आपका न्यूक्लियस है ना उसकी जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है ना ठीक है, वो उसको अपने ही एटम के एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है ठीक है, गामा रे के फॉर्म में। तो जब वो बाहर निकलता है ना, वो जो बाहर निकलने से एनर्जी रिलीज होती है वो गामा रे कहलाती है। ये हो गया इंटरनल कन्वर्जन ठीक है। उसके बाद इंटरनल पेयर प्रोडक्शन, उसके अंदर क्या होता है, एक्सेस एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दैट आर एमिटेड टुगेदर ठीक है। दोनों प्रोसेस गामा डिके में ही होते हैं, एक इंटरनल कन्वर्जन और एक पेयर प्रोडक्शन। इंटरनल कन्वर्जन में एटम क्या करता है कि न्यूक्लियस जो है वो एक्सेस एनर्जी अपने ही इलेक्ट्रॉन को देता है और वो एटम को छोड़ के चला जाता है और एटम स्टेबल हो जाता है। इसी तरह पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ठीक है वो उसके अंदर से एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन टूटता है और खुद को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट करता है और वो दोनों एमिट हो जाते हैं और तब भी हमें गामा रे मिलती है ठीक है। समझ आ गई है इन दोनों पॉइंट्स की कि इंटरनल पेयर प्रोडक्शन क्या है और इंटरनल कन्वर्जन क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा अब एक और मेन बात जो बहुत सारी आवाम इवन बड़े बड़े भी लोग ना ब्लंडर मारते हैं ठीक है, उसको ये याद रखना माइंड में, जो आपकी गामा रे है ना और एक्सरे, इनकी इंटेंसिटी में ठीक है और इनके मेकअप में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ कहाँ पे है, गामा रे प्रोड्यूस होती है आपके न्यूक्लियस से। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में से। और जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है ना वो आपके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, उनके रिमूवल से या इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से रिलीज से। हाँ जी, ये बात याद रखना हमेशा ठीक है। यस सर। किसी का कोई सवाल? जी साधिका पूछें। सर स्लाइड नंबर 23 पे जाइएगा। स्लाइड नंबर 23 ये ले बाजी। सर आपने पहले बोला कि जब नेगेटिव डिके होगा बीटा का तो जो न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को मतलब इजेक्ट करेगा और खुद प्रोटॉन बन जाएगा, तो जो रिएक्शन के बाद तादाद आ रही है वो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स क्यों आ रही है? ये वाला न्यूट्रॉन डिके हुआ प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ जी। और आपने बोला कि एक प्रोटॉन
आपने साथ में ये बोला था एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हुए हैं इजेक्ट. मैंने इजेक्शन की बात नहीं की. इजेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ने इजेक्ट होना, प्रोटॉन इजेक्ट नहीं होगा. वो कॉन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए, ठीक है. अगर वो इजेक्ट हो जाएगा तो फिर तो आपका एटम स्टेबल फिर भी नहीं होगा, फिर फायदा बीटा डीके का, ठीक है. समझ आ गई है? जी. अच्छा जी, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ शॉर्ट होती है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं या जिनकी ज्यादा होती है? जिनकी ज्यादा होती है, क्योंकि देखो कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल, क्या मैं आपको एग्जांपल दूं? हाँ, लाइक आई एम एन इरिटेटिंग टीचर, ठीक है. अगर मेरे 5 लेक्चर्स होंगे दिन में तो तुम लोगों ने कहना है भाई हमारे हाथ जुड़े हैं, ऐसे बोलो साड़ी जान छुड़ाओ, ठीक है. आई एम एन इरिटेटिंग टीचर और मेरा वीक में एक लेक्चर है तो तुम लोग बर्दाश्त कर लोगे चुप करके कि हाँ यार चल ठीक है यार, मगर लवे एक एक लेक्चर है, गल खत्म, ठीक है. सिमिलर थिंग गोज फॉर द हाफ लाइफ, ठीक है. जिसकी ज्यादा होगी, ठीक है, वो उतनी ज्यादा देर के लिए आपको रेडिएशन देगा, ठीक है. जैसे टेक्नीशियन की 6 आवर्स है, ठीक है. 6 आवर्स में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो 500 रेडिएशन एमिट कर रहा है 20 मिलीग्राम में, तो 6 आवर्स के बाद उसने 10 मिलीग्राम रह जाना, तो उसकी रेडिएशन भी कितनी रह जाएगी, 250 to 220, ठीक है. इसी तरह अगले 6 आवर्स में 100 पे आ जाएगी, ठीक है. इस तरह करके जिसकी हाफ लाइफ कम है उसकी रेडिएशन ग्रेजुअली कम होती जाएगी, लेकिन जिसकी ज्यादा है उसने डिके इतने साल बाद जाकर करना है, तो आपको कंटीन्यूअसली रेडिएशन देता रहेगा. समझ आ गई? यस सर. तो फिर सर रेडियो न्यूक्लाइड जब हम चूज करते हैं उसमें फिर हम हाफ लाइफ देखते हुए करते होंगे ना, ताकि वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव. इसीलिए तो हम टेक्नीशियन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स बहुत कम है. अच्छा जी, अबीहा ज़ैनब प्रेजेंट, अफजाल हसन, ईमान हबीब प्रेजेंट सर, आलिया एहसान प्रेजेंट सर, आलिया शबाज प्रेजेंट सर, अफजाल हसन प्रेजेंट. पहले कितने सुते होंगे मुझे याद नहीं है सर, वो म्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा. अल्लाह नवाज, अमानिया ताहिर का कोई इशू बता रहा था, अमानिया ताहिर है क्लास में. आमसा जफर गुलजार, मैंने एक मिनट सोच के मेरा नाम बोला. प्रेजेंट. अक्षा सर, ठीक है प्रेजेंट है. अरीबा नासिर प्रेजेंट सर, आयशा नासिर प्रेजेंट सर, सिंपल आयशा प्रेजेंट सर. ओके, अच्छा जी. दाऊद, फाखरा जफर प्रेजेंट सर, फरानूर सर, फरान मेल की हुई है आपको. ओके, गानिया खान. ओके ठीक है, फरान फरा की मेल आई हुई है, आई जस्ट चेक्ड. अच्छा जी, हाफिज मोहम्मद सलमान, हिना खालिद, इकराम शरीफ, इरम सईद, इरम सईद, कशफ प्रेजेंट सर, मलीहा मरियम, एक्सक्यूज मी सर, जिनका नाम ही बोला वो मुझसे ना पूछे उनकी लग गई हुई अटेंडेंस, मलीहा मरियम, मलाइका नदीम, ममूना तारिक प्रेजेंट सर, ममूना रहमान प्रेजेंट सर, मोमिना अब्दुल कुदूस प्रेजेंट सर, अमन लियाकत, हामिद अरसलान, अरसलान हामिद दोनों प्रेजेंट है. यस सर, काशिफ राफे, यस सर, उस्मान, यस सर, वसीम, यस सर, मुशाहिद,
Rabia Irfan. Raghisa. Sana Habib. Present, sir. Sana Khalid. Present, sir. Sara Anwar. Present, sir. Seher. Present, sir. Shabal. Present, sir. Sumbul. Present, sir. Sumaiya. Present, sir. Tamur. Umair. Present, sir. Umair. Ji, sir. Waleed Malik. Present, sir. Waqar Yunus. Zainab Ansar. Zanish. Present, sir. Zarkam. ठीक है जी, जा सकते हैं आप. थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक बजे. मेरी अटेंडेंस नहीं लगी सर. मेरी भी नहीं लगी. एक्सक्यूज मी सर. जी लाल, आपने अटेंडेंस के दौरान मुझे जवाब दिया था बेटे. सर मोहम्मद मान लिया कर नाम नहीं सर बोला. आपने कॉल नहीं किया. मैंने क्यों नहीं नाम कॉल किया. अमान लियाकत का नाम कितनी दफा तो कॉल किया मैंने. सर मेरी भी नहीं हुई अटेंडेंस. इसके बाद मेरा सर जब इकराम की अटेंडेंस लगी है उसके बाद डिस्कनेक्ट हुआ शायद तब किया हो. अमान लियाकत. अच्छा अमानिया, आपका नाम तो मैं 600 दफा बोलता हूँ क्योंकि स्टार्ट में ही है आप, बट जवाब नहीं देती मुझे. आइंदा मैंने आपकी अटेंडेंस इस तरह नहीं लगानी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ. सर मेरी भी नहीं हुई. आपकी बात कर रहा हूँ. अब्दुल्ला की लग गई है. सर मेरी नहीं लगी शायद. महा अदील लग चुकी है. जिनका नाम नहीं बोला उनकी लग चुकी है, और जिनका कॉल किया वो नहीं बोले उनकी नहीं लगी, पहले बता रहा हूँ. सर मेरी नहीं लगी. मलिहा मरियम. मलिहा मरियम तो बोली क्यों नहीं थी बाजी, तीन दफा आपका नाम कॉल किया. सर मुझे नहीं पता चला इसका. इस उठ जाया करो ना, सुते रहने दो तुसी. एक्सक्यूज मी सर. जी बाजी आपकी लग गई. सर आप सर लग गई है मुझे. सर आपके मेल रिसीव नहीं होते. क्यों सर? क्योंकि आप मुझे भेजते नहीं है. आपने मेरी आईडी ऐड कर ली. मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं ऐड कर लेता हूं. जो 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 सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट भी साथ मेंशन करना. ओके सर. नादिर बोल. सर मेरी भी बात सुन ले. एक मिनट सर, मेरी अटेंडेंस हो गई है. आहो हो गई. चुप कर जा. जी बोलो. ओके सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दे. मेरी रोज मिस हो जाती है. आज लगा दिया है. आंदा नहीं लगानी बाजी मैंने, मैं पहले बता रहा हूं. मैंने बोला नहीं था आपने नाम. अच्छा ठीक है. आंदा जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा. अल्लाह हाफिज़.